ये फ्रेंड्स बहुत ही क्रिस्पी बने हुए हैं, आप देखिए। ये देखिए, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फ्रेंड्स नवरात्रि का पहला दिन है, आप सभी लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज फ्रेंड्स हम अपने किचन में बनाने वाले हैं कच्चे केले के चिप्स। तो फ्रेंड्स ये खाने के स्वादिष्ट होने के साथ साथ ये सेहतमंद भी होते हैं और व्रत के दौरान आप इन्हें बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स झटपट से बनने वाली आसान रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स मेरे न्यू और पुराने सब्सक्राइबर को बहुत बहुत थैंक यू जो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, और इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तो चलिए फ्रेंड्स बनाना शुरू करते हैं। केले के चिप्स बनाने के लिए सबसे पहले फ्रेंड्स हम ऑयल को गर्म करने के लिए रख देते हैं। तो फ्लेम हम बिल्कुल लो रख देंगे और तब तक हम चलिए केला के चिप्स काट लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स हमने दो केला लिया है, तो इसको चलिए हम छील लेते हैं। तो इस तरह से हम थोड़ा सा मोटा पार्ट लेते हुए छीलेंगे। फ्रेंड्स हमने एक केला के छील लिया है। तो अब फ्रेंड्स ये मैंने सेंधा नमक लिया है, तो व्रत में हम बना रहे हैं तो हम सेंधा नमक का यूज करेंगे। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, इसको हम घोल लेंगे। फ्रेंड्स हमारा ऑयल भी गर्म हो गया है, तो ये अच्छे से हीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स अब हमने ये कटर ले लिया है, तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे काटते जाएंगे ऑयल में। फ्रेंड्स हमारे चिप्स हमने डाल दिया है इस तरह से, तो इसको हम 2 से 3 मिनट पकाएंगे, इस तरह से फ्राई करेंगे। अब ये हम घोल वाला पानी डालेंगे। तो ध्यान रखिएगा किचन में फ्रेंड्स बच्चे ना हो, तो ये हम पानी डाल देंगे। ये फ्रेंड्स आप भी बबल सुन सकते हैं, बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। तो ये नमक वाला पानी डालने से फ्रेंड्स थोड़ा सा ये क्रिस्पी बनेंगे। तो इनको हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इसमें की जो गड़गड़ाहट आ रही है वो समाप्त ना हो जाए। फ्रेंड्स हमारे बनाना चिप्स बनकर रेडी हो चुके हैं और इसमें से गड़गड़ाहट जो पानी की थी वो समाप्त हो चुके हैं। अब इनको हम एक से निकाल लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही क्रिस्पी बने हुए हैं। तो इनको तरफ फ्रेंड्स हम और भी बनाने चिप्स बना लेंगे। अगर फ्रेंड्स आपको इस तरह से दिक्कत हो रही है, हीट लग रही है, तो आप इसको किसी बर्तन में पहले से काट लीजिए और फिर इनको फ्राई कर लीजिए। तो मैं इस तरह से बना रही हूँ, आप उस तरह से भी बना सकते हैं। हमारा दूसरा पैच भी बनकर तैयार हो गया है, तो इनको भी हम निकाल लेते हैं और यहीं पर हम गैस को ऑफ कर देंगे। फ्रेंड्स हमारी झटपट से नमकीन बनकर तैयार है, तो इस तरह से आप नवरात्रि में बनाकर खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये दो बनाने में देखिए इतनी ढेर सारी हमारी चिप्स बनकर तैयार हो गई है, और ये देखिए बिल्कुल कितनी क्रिस्पी हैं और बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। तो फ्रेंड्स और जो कच्चा केला होता है हमारा पोटेशियम का खजाना होता है, जो हमारी इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाता है। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स व्रत में, क्योंकि हमें व्रत में एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, इस आपका एक लाइक हमें बहुत ही मोटिवेट करता है। तो इसी तरह से रेसिपी बनाते रहेंगे और फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।